अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी, सब इंतज़ार कर रहे होंगे जान निसार ड्रामे का, और वो भी तस्वीर कहानी में। तो जी, देखिए कश्माला किस तरह दुआ की ज़िंदगी को अजाब बनाती है और गज़नवी के दिल में उसके लिए कैसे वसवसे डालती है। तो कश्माला ने वॉचमैन को भी ख़रीद लिया और गज़नवी को भी भर दिया, उसके कान भरे और उसे कहा कि ये देखो, इसने खुद बुलवाया था। तो वो गज़नवी आके दुआ से पूछता है कि कोई आया था, तो दुआ कहती है नहीं। तो फिर गज़नवी उस पर चीखता चलाता है, कहता है कि झूठ क्यों बोल रही हो, उसे क्यों बुलवाया था। इधर सरफराज करता है कश्माला से कॉन्टैक्ट और उसे खबर देता है। कश्माला कहती है तुम्हें अमीर होने से अब कोई नहीं रोक सकता, तुम ऐसे ही काम करते रहो। तो दुआ बेहोश हो जाती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर उसे खुशी की खबर सुनाती है और बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो। तो इस पर कश्माला के एकदम से टेंशन में आ जाती है और दुआ खुश हो जाती है। गज़नवी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है इस बात पर। दुआ ये खुशी सेलिब्रेट करती है अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन भाई बहनों के साथ, अपनी मम्मा के साथ। तो देखिए कैसे आगे आगे दुआ की ज़िंदगी को अजीरन बनाती है कश्माला। तो ये देखने के लिए फुल एपिसोड देखिए जान निसार की। तो जी देखिए तस्वीर कहानी। दुआ को कन्विंस कर रहा था। उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशरवा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो जाएं। यही सब बताने के लिए वो यहाँ आया था। अजय, मैं तुमसे मिलने को आया था। नहीं, झूठ बोल रही हो। तुमने क्यों आने दिया उसे अंदर? और झूठ क्यों बोल रही हूँ मुझसे? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। अच्छा, वॉचमैन को किसी ने कहा उसे अंदर? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो फिर? मैं झूठ नहीं बोल रही, आप गार्ड्स को बुला के पूछ लीजिए। वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। उसने मुझे अपनों के सामने रुसवा, उसका तो हिसाब मैं लूंगा अच्छे तरीके से, उसे बर्बाद कर। अच्छा खेल रहे, बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रख, तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो तो मेरी हिमाकत की वजह से उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना हम तो कहीं नहीं थे बीच में। परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो खुशी की खबर है। क्या मतलब? शी इज प्रेग्नेंट। आप बाप बनने वाले हैं।